अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप डैट यू विल बी फाइन। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है डैट इज़ गोइंग लेक्चर नंबर 2 ऑन शॉर्ट स्टोरी ब्रेकफास्ट बाय जॉन स्टेनबेक। इन दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन आंसर एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डैट कैन बी पुट बाय द एग्जामिनर बाय द यूनिवर्सिटी ऑन द क्वेश्चन पेपर ऑफ बीए इंग्लिश थर्ड ईयर। ठीक है, तो ये मैं आज आपको बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, अच्छा नंबर 1 पे है जी, ये जो शॉर्ट स्टोरी है ब्रेकफास्ट है, आ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म ऑन क्रिटिसिज्म ऑन मॉडर्न अर्बन लाइफ। द स्टोरी ब्रेकफास्ट, शॉर्ट स्टोरी ब्रेकफास्ट बाय जॉन स्टेनबेक इज अ क्रिटिसिज्म ऑन मॉडर्न अर्बन लाइफ। इसको डिस्कस करें कि ये कैसे है। ठीक है, कि अगरचि उसमें जो दिखाया गया है डैट इज़ टोटली कंट्रेरी टू द अर्बन लाइफ, वो शहरी ज़िंदगी के बिल्कुल बराक्स है, लेकिन ये जो है इसके अंदर जो राइटर है इनडायरेक्टली जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है मॉडर्न अर्बन लाइफ, जो शहरी ज़िंदगी है उसके ऊपर। ठीक है, जो मॉडर्न लाइफ है उसके ऊपर वो क्रिटिसिज्म कर रहा है। अच्छा, तो मॉडर्न लाइफ में पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मॉडर्न जो अर्बन लाइफ होती है उसमें क्या है। पीपल आर वेरी बिजी, ठीक है, लोग बड़े मसरूफ़ होते हैं, दे हैव नो टाइम, उनके पास टाइम नहीं होता, दे इंजॉय लग्जरीज ऑफ लाइफ। ठीक है, उनके पास जो है वो लग्जरीज ऑफ लाइफ होती हैं। अच्छा, फिर शहरों के अंदर क्या होता है कि प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना दीज आर फाउंड इन अर्बन लाइफ। पीपल आर वेरी बिजी, लोग बड़े बिजी होते हैं, दे हैव नो टाइम, उनके पास टाइम नहीं होता टू टेक गॉसिप, टू सिट विद द अदर पर्सन, विद अदर पीपल, टू इंक्वायर आफ्टर देयर हेल्थ, उनकी सेहत के बारे में पूछने के लिए, उनके साथ गपशप लगाने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं, और उनके पास सारी ज़िंदगी की जो लग्जरीज हैं, जो सहूलियात हैं वो होती हैं, दे आर हैविंग फाइन हाउसेज, उनके पास उम्दा किस्म के घर होते हैं, उसमें भी फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो आलात हैं घर को ठंडा करने के लिए, गर्म करने के लिए, उनके पास आने जाने की जो कन्वेंस है वो बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, ये अर्बन लाइफ का मैं आपको एक स्केच बता रहा हूँ। अच्छा, फिर शहरी ज़िंदगी जो है उसमें पोल्यूशन होती है, ठीक है ना, यानी ये एक पोल्यूटेड लाइफ होती है, और इसमें और बहुत से मसाइल होते हैं। तो अब जब हमने ये देख लिया कि ये मसाइल हैं शहरी ज़िंदगी के, तो ये जो स्टोरी है ये क्रिटिसिज्म है। देखें, अब वो जो लोग हैं दे आर लिविंग अ सिंपल लाइफ, वो सादा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, दे आर नॉट लिविंग इन फाइन हाउसेज, वो जो फैमिली जिसको राइटर मिला था, दे आर नॉट लिविंग इन फाइन हाउसेज, दे आर नॉट इंजॉइंग द लग्जरीज ऑफ लाइफ, उनके पास ज़िंदगी की सहूलियात नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, वो टेंट के अंदर रह रहे हैं, दे आर नॉट हैविंग देयर ब्रेकफास्ट इन एनी हाई क्वालिटी रेस्टोरेंट, वो किसी अच्छे उम्दा रेस्टोरेंट में या होटल में बैठ के खाना नहीं खा रहे हैं, वो फील्ड्स के अंदर रह रहे हैं, उनके पास कोई परमानेंट जो है वो जॉब नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, और वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि दैट इज़ द सीन ऑफ नेचर, वो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं दे आर लिविंग इन द लैप ऑफ द नेचर, वो फितरत की आगोश में रह रहे हैं, तो वहाँ पे प्योरिटी ऑफ लिविंग है, वहाँ पे जो लोग हैं वो खुश हैं, लेकिन अर्बन जो लाइफ है डैट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक लाइफ, लोगों के पास सब कुछ है बट द पीपल आर नॉट हैप्पी। ठीक है ना, पीपल आर Not happy।
लोग खुश नहीं हैं, वो टेंट में रहकर खुश हैं, वो फील्ड्स के अंदर रहकर खुश हैं, वो सादा खाना खाकर नाश्ता करके वो खुश हैं, ठीक है, वो सिंपल से क्लोथ्स लेकर खुश हैं, लेकिन लोग शहरों के अंदर रहने वाले जो लोग हैं दे आर मेकिंग पॉट्स ऑफ मनी, दे हैव पॉट्स ऑफ मनी बट दे आर नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस बैकग्राउंड, दिस स्टोरी इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑन मॉडर्न अर्बन लाइफ। अच्छा, उसके बाद है जी कि इस स्टोरी के अंदर प्योरिटी ऑफ लिविंग जो है वो बयान की गई है, ये मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। स्टोरी टेल्स द प्योरिटी ऑफ लिविंग, ठीक है। अच्छा, इसमें प्योरिटी ऑफ लिविंग क्या है, हम उस फैमिली की बात करते हैं। नंबर वन, अ सिंपल फैमिली, वो एक सादा फैमिली है, प्योर फैमिली है, ठीक है। नंबर टू, हैविंग सिंपल फूड, यानी प्योर खाना खा रहे हैं, प्योर जो नाश्ता है वो कर रहे हैं, और सिंपल क्लोथ्स, उनका जो है वो क्लोथ्स सिंपल हैं, उनका जो है वे ऑफ सर्विंग ब्रेकफास्ट इज सिंपल, ठीक है ना। उनका जो ब्रेकफास्ट सर्व करने का तरीका है वो मैं लेक्चर बारे में बड़ी डिटेल से आपको बताया था कि वो बड़ा सिंपल है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, दोज पीपल आर फ्री फ्रॉम अफेक्टेशन। नंबर फाइव पे हो जाएगा, दे आर फ्री फ्रॉम अफेक्टेशन, AFFECTATION, अफेक्टेशन होती है बनावट, जिसको हम आर्टिफिशियल लाइफ कहते हैं, ठीक है ना। दे आर फ्री फ्रॉम अफेक्टेशन, वो अफेक्टेशन से पाक जिंदगी बसर कर रहे हैं। अच्छा, दे आर पासिंग अ पोल्यूटेड फ्री लाइफ, पासिंग अ पोल्यूटेड फ्री लाइफ, वो एक ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं जो पोल्यूटेड फ्री है, यानी उसके उस पोल्यूशन, वहां पे पोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जो वहाँ पे उसने स्केच खींचे है, नेचर का जो सीन है, इट इज़ अ डॉन टाइम, ठीक है ना, वो सीन ऑफ नेचर जो है वो भी आप इसमें कोट कर सकते हैं, प्योरिटी ऑफ नेचर। वो भी आप इसमें कोट कर सकते हैं कि डॉन टाइम है, अर्ली इन द मॉर्निंग है, गोल्डन रेज ऑफ द सन है, वादी है, ठीक है। तो ये सारी जो जिंदगी है उसके अंदर प्योरिटी ऑफ जो लिविंग है उसको बयान किया गया है, और ये प्योरिटी ऑफ लिविंग वहाँ पे ही है, नेचर के करीब है, शहरों के अंदर ये प्योरिटी ऑफ लिविंग नहीं है। दिस इज़ वाई दिस स्टोरी इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑन द मॉडर्न अर्बन लाइफ। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम जो है इसका मैसेज जो लास्ट पे जो है वो मैं इसका मैसेज जो है वो आपको बता देता हूँ। अच्छा, नंबर थ्री पे आ जी, मैसेज ऑफ द स्टोरी या व्हाई दोज पीपल वर लिविंग अ हैप्पी लाइफ, या ये ऐसे भी आ सकता है, व्हाट were the reasons which made the author happy,
ये इस तरह के क्वेश्चन जो है अगर आ जाए तो आपने कैसे लिखना है, मैसेज के ऊपर फोकस करना है। अच्छा, मैसेज क्या है, इसका आंसर क्या हो सकता है कि नंबर वन पे आप देखें कि सिंपलिसिटी, सिटी इज अ की टू कॉन्टेंटेड, कॉन्टेंटेड CONTENTED कॉन्टेंटेड लाइफ, कि जो सादगी होती है स्टूडेंट वो हमें खुशी की तरफ ले जाती है, वो हमें खुशी देती है। ये सादगी किस तरह की हो सकती है, ये सादगी हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें हो सकती है। सिंप्लिसिटी इन लिविंग, ठीक है, इन ईटिंग, हमारे खाने पीने में सिंप्लिसिटी हो सकती है, और सिंप्लिसिटी सिटी इन टॉकिंग, ठीक है, सर्विंग, जो भी स्टोरी के अंदर हुआ है वो सारी बातें जो हैं वो सिंपलिसिटी की बात बयान की गई हैं, कि जब हम ज़िंदगी के हर काम के अंदर सिंपलिसिटी लेकर आएंगे, हम देखें मैसेज ऑफ नेचर जो है वो भी सिंपल ही है, वो भी सिंपलिसिटी के मुतालिक है, कि अगर आप लोग जो हैं वो सादा रहेंगे, सादा खाएंगे, सादा पिएंगे, सादा पहनेंगे, ठीक है ना, और एक ज़िंदगी जो है ना वो सिंपल लाइफ और प्योर लाइफ बसर करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्टीमेटली द रिज़ल्ट वुड बी अ परमानेंट प्लेयर, कि आप हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। यही वजह है कि जो लोग सादगी पे अमल करते हैं दे आर ऑलवेज़ हैप्पी, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो राइटर भी, सो दीज वर द रीज़न्स व्हेन द राइटर थॉट अबाउट दीज रीज़न्स ही ऑलवेज़ बिकेम हैप्पी। जब भी वो याद करता था वो हमेशा खुश हो जाता था, कहता था कि वो उन लोगों की सादगी क्या सादगी थी, कि उन्होंने कैसे सिंपल वे से सर्व किया, सिंपल उनकी डाइट थी, सिंपल उनकी लेबर थी, सिंपल उनका लिविंग स्टैंडर्ड था, और सिंपलिसिटी ऑफ नेचर थी, फितरत की सादगी थी। सो दैट्स व्हाई व्हेन एवर द राइटर द पोइट रिमेंबर्स, सॉरी पोइट नहीं है राइटर, मेमोराइज या रिमेंबर दिस इंसिडेंट ही बिकम्स हैप्पी, वो हमेशा खुश हो जाता है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।